थाना 25,000 का महीना देते हैं, चौकीदार को 5,000 को महीना देते हैं, खुलेआम बोलता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटी न्यूज़ बिहार, हम आपके साथ हैं सौरभ चौधरी। अभी बोरिया डी में हम मौजूद हैं और हमारे समक्ष सोनू कुमार के पिता महेश जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि प्रशासन का क्या कदम अभी तक उठा है और क्या कर रहे हैं ये परिजन इनके, तो क्या मतलब घटना का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यही है कि जो मेरे बच्चा को उठाया हुआ शराब बेचता था और उसका मैं विरोध करता था। आज से 10 से 15 दिन पहले वह ब्रह्म स्थान में बाजी के नाच नचाया, दिन में उसका भी विरोध किया। उसका माँ मेरे बगल में कचरी बरी की दुकान की हुई थी, उसका मैंने चाल चलन नहीं ठीक था, उसको बार बार कहते थे कि तुम्हारा बेटा नाजायज करता है। इसी सब कारण मेरा बच्चा को उठा के वो हत्या किया। कौन? सोनू राय है पिता का नाम। पिता का नाम राम प्रवेश राय और उसका माँ का नाम सुधा देवी जी। यही सब मिलके और मैंने रचना मैंने मेन यही है। उसके बाद और जो आदमी हैं उसके साथ हैं जो मेरे बेटा को उठा के ले गया। अच्छा, प्रशासन क्या उस दिन के बाद आपसे मिला या कुछ ऐसा कदम? नहीं, प्रशासन तो उस दिन के बाद हमसे कोई ई नहीं है, न भेंट कर अभी तक कुछ ई नहीं है। और जो आदमी का जो उसी में जो हत्यारा बयान दिया उसको अभी तक प्रशासन अभी तक उठाया नहीं। प्रशासन से काम से हम अभी तक असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं है। प्रशासन सही काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जब आप एप्लीकेशन देने गए थे प्रशासन को तो क्या मतलब उस एप्लीकेशन में आपने क्या लिखा था, क्या बताया था? हम उस समय यही लिखे, हमको तो ये अंदाज नहीं था कि मेरा बेटा को हत्या हो जाएगा। हम सोचे कि वह हो सकता है जो साथी संगत साथ कहीं भाग गया या कुटमैती चल गया, जो बच्चा के साथ खेल रहा था। तो हम उस आधार पर एप्लीकेशन दिए थे कि बराबर उस बच्चा के साथ भर दिन मेरा बच्चा खेला है, उसको उठा के आप पूछताछ कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा कहाँ किया। लेकिन कल हो के हम लोग जो मूवमेंट गांव के देखे, जो जिसका हम विरोध करते थे, उस सब के चाल चलन से हम लोग जो देखे तो हम लोग को शंका हुआ कि नहीं, जो ऐसा बात नहीं है ये है। उसके बाद थाना प्रभारी को हम बोले कि सर फलना फलना आदमी को उठाइए, सारा पता चल जाएगा। लेकिन वह उठाए नहीं हम लोग के सामने, मुझको थाना पर बुला के अब क्या बात किए नहीं किए, 5 ही मिनट के बाद उसको छोड़ देते हैं। इसमें 5 आरोपी का जो नाम बताया गया था वो 5ों गिरफ्तार कर लिया गया है? नहीं, नहीं किया गया है। तो प्रशासन उसके घर पर छापा की है? नहीं, हम लोग को तो जानकारी अभी तक है कि अभी उस सब के यहाँ छापा नहीं मारा गया है। तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा प्रशासन अगर इस तरह काम करे तो? हम लोग प्रशासन नहीं तो हम अभी तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरा गांव का कहना है कि अगर प्रशासन नहीं मानता है, अगर प्रशासन उस लड़का सब को नहीं पकड़ता है तो हम लोग उसके घर पर धापा बोलेंगे, यही करेंगे। प्रशासन नहीं मदद करेंगे तो प्रशासन के रूप में अपने उग्र होंगे, यही करेंगे। अच्छा, कितने बच्चे थे आपके? हम तीन बच्चे हैं। एक बेटा और 2 बेटी? हाँ, एक बेटा 2 बेटी। कितना एज रहा होगा लड़के का? लड़का का 14-15 साल था। अच्छा, उस लड़का का स्वभाव कैसा था? स्वभाव तो आप उसके सीडी फुट का विद्यार्थी था, स्कूल से जाके प्रचायक से या उसका टीचर से आप बातचीत करते कैसा लड़का है। लड़का तो मेरा पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज था, ऐसा कहीं कुछ ईज नहीं था, मोबाइल वोबाइल भी नहीं रखता था। अच्छा, आपका आपसी विवाद किसी से? नहीं नहीं, आपसी विवाद किसी से गांव समाज में या 5 गांव में हमसे किसी की विवाद नहीं है। सिर्फ उसका वो जो है उसका हम विरोध करते थे, जो दारू बेचता था उसका हम विरोध करते थे। अच्छा, दारू बेचता था तो प्रशासन इस पे मतलब कभी नहीं? नहीं नहीं, हम लोग तो हमारे गांव के सभी लोग जानते हैं कि इसका प्रशासन में बोलता था कि हम लोग कहते थे कि रे ऐसे काहे करता है, कल गए थाना 25,000 का महीना देते हैं, चौकीदार को 5,000 का महीना देते हैं, खुलेआम बोलता था। हमारे गांव किसी भी 2-4-5 आदमी से पूछ सकते हैं आप। तो जिस दिन घटना हुआ उस दिन आपके लड़के को बुलाया गया थाना पे, उसके बाद छोड़ दिया गया, तो इस पे आप लोग फिर दोबारा आवाज़ नहीं उठाए? नहीं, हम लोग तो चले आए, कहे हमारे माइंड में ये आया कि प्रशासन अपना स्तर से काम कर रहा है, उसमें हम विरोध नहीं करें। हमारे दिमाग में तो यही था कि प्रशासन अपना स्तर से काम कर रहा है, इसको हम बार बार क्या टॉर्चर करें। अच्छा, आपका क्या मांग है? मेरा मांग तो यही है कि मेरा लड़का चला गया, इसमें जो दोषी है वो सर फंसना चाहिए, जो निर्दोष है वो बच जाए, हमारा कहना तो यही है।